अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मुझे अपने कमरे की सफाई करनी है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने अपने कमरे की सफाई नहीं करी और बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। सो फटाफट से अपने कमरे की सफाई करते हैं और यहाँ पर मैं मैजिक कर रही हूँ, लेकिन आगे वीडियो में मैंने मैजिक करना भूल गई थी। सो यहाँ पर मैं ये डाल रही हूँ, उसके बाद ये देख सकते हैं तो क्या क्या सब लग दिया है मैंने। सो यहाँ पे अब मैंने सब कुछ अंदर करके इसको, और मुझे जाना भी था बाहर क्योंकि आज हमें बाहर जाना है किसी काम से, उसकी वजह से तो मैं फटाफट से सफाई कर रही हूँ क्योंकि मुझे अपनी नानी के घर पे जाना है और वो भी दिखाएंगे आपके साथ, इंशाल्लाह वाला ब्लॉग भी शेयर करेंगे। सो फटाफट से सफाई करना है। और यहाँ पर मैंने चादर सही कर ली थी क्योंकि आज मम्मा घर पर नहीं थी तो मैंने खुद ही काम करना था और आप भी नहीं थे, उसकी वजह से मैं यहाँ का कमरा अपना साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे ये पूरा गंदा करा हुआ था हानिया ने, हानिया का काम इसमें थे, ये मेरा बैग था और ये आप ही की बुक थी टेबल वाली। सो इसको यहीं पे रख देते हैं। और यहाँ पे टेबल तो साफ़ हो चुकी है, अब हम लोग झाड़ू मारते हैं। झाड़ू में इतनी अच्छी मारनी नहीं आती, लेकिन मम्मा कभी कभी अपने कमरे का करवा लेती हैं, वैसे वहाँ का मम्मा करती हैं, यहाँ पर आप ही मैं वाले कमरे का ही कर लेती हूँ काम। और यहाँ पे मैं अच्छी तरीके से झाड़ू मार ही रही थी कि हानी आके मुझे तंग कर रही थी, भर भर के नहीं थी आप ही क्या करिए, जो आप ही क्या करिए, मैंने कहा झाड़ू मार रही हूँ। और यहाँ पर अच्छी तरीके से सफाई करी और यहाँ पर मैंने पोछा मारना शुरू कर दिया था क्योंकि पोछा मारना ज़रूरी है। और ये मैंने फर्श धो लिया था यहाँ का बहुत ही गंदे तरीके से क्योंकि वाइपर सही नहीं था और वाइपर जान रहा था, फटाफट से मैंने गीला पोछा मारा पंखा ऑन करके। और मुझे जाना भी था कहीं काम से सेंटर वगैरह, तो उसकी वजह से सो फटाफट से मैंने अपना पोछा मार लिया है, देख सकते हैं आप। और अब चलो फटाफट से चलते हैं यहाँ से क्योंकि हमारा सारा काम हो चुका है। यहाँ पे बनानास हैं और यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी क्योंकि मेरे ट्यूशन वाले सर आ गए थे पढ़ाने और उन्होंने कहा था कि इसके सेंटेंसेस बनाने हैं और उन्होंने मुझे समझाया था ये, और आपको पता है कि ये कितने इम्पोर्टेंट होते हैं, सो आप लोग भी सीखा करें। सो ये उन्होंने मुझे अच्छी तरीके से बनाने के लिए दिए थे, पूरा उन्होंने मुझे बोला था कि आप 50 सेंटेंसेस बनाओ इसके, तो मैंने एक पेज पे लिखना स्टार्ट कर दिया था 1 2 3 4, उसके बाद मैं 50 सेंटेंसेस बनाऊंगी इसके और देखते हैं कितने बनते हैं मेरे से। और कुछ आइडियाज़ दिया करें ब्लॉग्स बनाने के, कौन कौन से ब्लॉग्स बनाने हैं, मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। मैं मुझे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।